नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम। जीवन में धन की संपन्नता होते हुए भी दरिद्रता का बना रहना, बैंक बैलेंस पर्याप्त होने पर भी व्यक्ति को न चैन से खाने को मिलता है, न चैन से सोने को मिलता है, न अच्छे कपड़े व्यक्ति पहन पाता है, न लग्जरी गाड़ियों में घूम फिर पाता है। अपने संबंधियों के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन स्वयं का जीवन हमेशा दरिद्रता और तनाव से घिरा रहता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति है तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति बेहद खराब है। शुक्र ग्रह के अति बाल्य, अति वृद्ध अवस्था में होने पर, पाप दृष्ट यात्रिक स्थान में होने पर व्यक्ति के जीवन से लग्जरी लाइफ, आधुनिक जीवन, एक शानदार जीवन शैली को वह नहीं बना पाता। हमेशा उसका स्वयं का जीवन अभाव और दरिद्रता से, तनाव से घिरा हुआ रहता है। शास्त्र कहता है, शुक्र संपत्ति, वस्त्र और आभूषण और व्यक्तिगत जीवन का जो सुख है उसके प्रतिनिधि माने जाते हैं। आज की वीडियो में यदि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्या है तो मैं आपको उससे बाहर निकलने का एक बहुत शानदार उपाय बताऊंगा। साथियों, कहा जाता है, जान है तो जहान है, वरना खाली हिंदुस्तान है। यदि हमारे आसपास के लोग सुखी हैं, हमारा परिवार सुखी है और हमारा स्वयं का जीवन दुखी है, तो मैं यह कहना चाहूँगा, व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम मजबूत होंगे तो दूसरों की, पारिवारिक लोगों की भी सहायता कर पाएंगे, और हम स्वयं ही दुखी हैं तो दूसरों की सहायता नहीं कर पाएंगे। शुक्र के कुछ सटीक और जीवन को बदल देने वाले उपाय आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, प्रातःकाल 9 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक कोई भी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल या एसएमएस वगैरह कर सकते हैं। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, व्यक्तिगत जीवन का सुख, व्यक्तिगत शांति शुक्र प्रदान करते हैं। साथियों, शुक्र के शनि दृष्ट होने पर, त्रिक स्थान में, अति बाल्य, अति वृद्ध अवस्था में होने पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में देवी दोष बन जाता है। माँ भगवती, माँ पार्वती के करोड़ों स्वरूप हैं, उनके किसी भी स्वरूप का, उनके परिवार का कोई भी देवता, उनके परिवार की कोई भी योगिनी का दोष आपके जीवन में लग जाता है, जिससे अन्य ग्रहों के मजबूत होने पर संपत्ति तो आ जाती है लेकिन तनाव और व्यक्तिगत दरिद्रता नहीं जा पाती, मानसिक दरिद्रता नहीं जा पाती। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए व्यक्ति को देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। यह पहला और सबसे सटीक उपाय है। कोई भी दुर्गा जी का बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का डेफिनेटली नियमित रूप से 20 या 25 मिनट से ज़्यादा सुबह के टाइम में जाप करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। यदि आपको लगता है कि आपने अपनी संतान के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए बहुत कुछ कमाया है, लेकिन ना तो आप अच्छी गाड़ी में बैठ पाए, ना अच्छे कपड़े पहन पाए, ना कोई सुख आपके जीवन में है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो बेवकूफ़ आदमी की तरह आपने जीवन जिया है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में किसी भी शुभ मुहूर्त में ला करके उसको स्थापित करें। नियमित रूप से इस स्फटिक श्रीयंत्र की साधना करने से, वहाँ पर महात्रिपुर सुंदरी का मंत्र जाप करने से व्यक्ति के जीवन से गरीबी, दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है, वह धन धान्य से संपन्न हो जाता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। प्रिय साथियों, यदि आपको लगता है कि आपके चेहरे में खूबसूरती, सुंदरता, आकर्षण समय से पहले कम हो रहा है,
यदि आपको लगता है अच्छा खान पान होने के बाद भी, अच्छी व्यवस्थाएं होने के बाद भी आपके शरीर में, आपके चेहरे में वो खूबसूरती नहीं है कि जो होनी चाहिए, तो आपका शुक्र कमज़ोर है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से यह दोष दूर होता है। अच्छे ज्योतिषी की सलाह से आपको ओपल या हीरा रत्न भी धारण करना चाहिए। हमेशा नवरात्रों का व्रत रखें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने से कितना भी कमज़ोर शुक्र हो वह प्रबल हो जाता है। आज की वीडियो में मैंने आपके जीवन को सुखी और संपन्न और खूबसूरती और रोमांच से भरपूर बनाने के कुछ शानदार से उपाय बताए। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो एक सही जानकारी अपने मित्रों तक पहुँचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। नमस्कार।